फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटेला वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह के तकरीबन 6 बजने वाले हैं। अभी माता श्री नहाकर तैयार होकर घर के मंदिर में पूजा पाठ करके चले गए हैं शिव मंदिर की तरफ। कल के ब्लॉग में आपने देखा ही था कि पिताजी घर आए हुए हैं, फिलहाल सो रहे हैं वो, और मैं उठ चुकी हूँ और सफाई अभियान करने लगी हूँ अभी शुरू। पिताजी के जॉब पे जाने से पहले पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, कम से कम पोछा लगाने का टाइम होगा तो लगा दूंगी, नहीं होगा तो नहीं लगाऊंगी फिलहाल। टन घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। माता श्री भी आ चुकी है मंदिर से पूजा पाठ करके। गुड मॉर्निंग मम्मा जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या पी रहे हो आप? थोड़ा पानी। अगर आपको पता था कि पापा ने लेट जाना है तो फिर आपने मेरे को बताया क्यों नहीं? तुम सोई थी, मैं वैसे मेरे को तो रात जब मैं सोई तब उनने बोला, जब मेरे को नींद आई थी तब मेरे सुबह मेरे को मत। तो फिर रात तक तो हम लोग साथ में बैठे थे, तुम लोगों को जिक्र ही नहीं करा। तू इधर ही थी उस टाइम जब मेरे को बोला, फिर मैं भूल गई जब तू उधर आई। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं भी थोड़ा आराम से उठती है? मैं अपना उठ गई थी, उठ के फिर मैंने अपना झाड़ू लगाया, मेरे का पापा उठे नहीं यार, तो 6:15 हो गए। फिर मैं पापा को उठाया, उठ ही नहीं रहे, हूँ कर जा रहे, नहीं जाना मेरे को, लेट जाना है ड्यूटी, मेरे को तो बता तो देते कम से कम। फिर तो मैं भी आराम से उठती। नहीं वहां से नाक लाए मुझे नहीं है। पर आराम से उठने वाली बात भी ऐसी है ना कि अगर मैं सो रही होती तो फिर मम्मी खुद ही लग जाती है साफ सफाई करने में। कल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। कल रात पता नहीं क्या हो रहा था, एक बार पापा उठ रहे थे मुझे बोलने के लिए आरती सो जा, एक बार मम्मी उठ रही थी मुझे बोलने के लिए आरती सो जा, और कोई ज्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 10:30 या 11 से तो पहले मैं सो गई थी। 11:30 नहीं मम्मा, 11 बजे तो मैं सोई गई थी। ये ना मैंने इतनी बाथरूम पानी पी लिया था ज्यादा, पता नहीं क्या हुआ कल, शुक्र बदी है तब हुआ, भगवान जानो बहुत ज्यादा। फिर वो तो जाते ही जाते हैं 5-6 बार। मेरे को भी रात एक बार एक दिन उठ रहा है, आरती हिला आरती सो जा। मैं कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी, आरती सो जा। मैं कहा ये पागल हो गया दोनों में, अभी भी मेरे को सुला रहे। मैं कहा फिर थका के मैं 11 बजे सो ही गई, नहीं तो मैं और लेट सोती। शक्ल देखो इसकी कैसी हो गई है, सड़ी सी। अपना हाशा खराब है, जब मना करा तब तो मानते नहीं। आसमान पूरा खाली है, सूर्यदेव भगवान जी अभी तक आए नहीं है। मौसम मस्त हो रहा है, वैसे लग रहा है कि शायद बारिश आ जाए आज। यहाँ पे पौधों की साफ सफाई की जा रही है, पत्ते वत्ते बहुत गिर जाते हैं, हर दूसरे दिन साफ करते हैं फिर भी बहुत हो जाता है। और हाथों हाथ यहाँ पे पानी भी डाला जा रहा है पौधों में। पौधों वाली साइड तो झाड़ू लगाकर बढ़िया तरीके से सारे पत्ते वगैरह उठा लिए गए हैं। अभी हम लोग सोच रहे कि दोनों माँ बेटी मिलके ना पूरा छत हम साफ ही कर देते हैं, मतलब पोछा लगा देते हैं। मम्मी को मैं कह रही हूँ आप ना मुझे पोछा धो धो के देते रहो, वाइपर में लगा के हम इसको लगा देंगे। वाइपर का डंडा भी आप देख सकते हो। ये सिंपल डंडा है, इसका प्लास्टिक वाला डंडा टूट चुका है शायद, ये मम्मी का देसी जुगाड़मेंट है। एक अंदर के पास है, एक बाहर के पास है, फिर ऊपर का या नीचे टूटा था, मैंने इसको एक डंडा लगा दिया तेरे पापा ड्यूटी पर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब मम्मी मुझे पोछा नहीं छोड़ने छोड़ के देती रहेंगी और मैं हाथों हाथ पोछा लगाती रहूँ। हम सोच तो ऐसा रहे थे कि अगर बारिश आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, कुदरती पानी ऊपर से गिरेगा तो उस समय हम कर लेंगे साफ सफाई। नहीं सारी किचड़ किचड़ हो जाती है यार, उससे काम ज्यादा बढ़ जाता है पता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों माँ बेटी ने मिलके पूरी छत चमका डाली है। अनाया उठ चुकी है स्कूल जाने के लिए और रोना शुरू, आवाज आ रही है। जब ये सुबह उठती है ना रोज आवाज आती है, टंकी भी भर गई हमारी। ये टंकी का पानी एक्स्ट्रा निकल आया थोड़ा सा। नाने में रोती है, नाने में जब नाती है ना। मैं तो करने के लिए तैयार नहीं थी, मैं तो बारिश को ही देख रही थी। वो तो तूने कह दिया कर लेते हो ही गया। चलो दोनों ने मिलके किया तो हो गया। फिर ये करते हैं ना शाम को, अब तो साफ सफाई कर दी, बारिश पक्का आएगी। यही होता है। मैन कुली की चैन। वेरी गुड। ऐसे ऊपर गले में दर्द होती है पता है। धीरे धीरे सही हो जाएगा। ये गद्दा धूप में डाला था सूखने के लिए, सूख गया था। गुड मॉर्निंग वैद जी। गुड मॉर्निंग। पापा अगर आपको लेट जाना था आप कल रात बोल नहीं सकते थे कि मुझे लेट जाना है? बोला था मैंने। मम्मी को बोला था? मेरे को बोला था। क्या बोलना था? सुबह जब मैंने उठाया मजा आया होगा। तो मैं भी फिर आराम से उठती ना। बताया था मैंने, बता दिया। मम्मी ने मेरे को कुछ नहीं बताया, ये मम्मी बहुत चलाका है, मेरे को कुछ भी नहीं बताती।
फल काट लिए मैंने, पिताजी नहाने के लिए गए हुए हैं, पिताजी आएंगे साथ में बैठ के सब लोग फल खाएंगे, व्लॉग देखेंगे भाई का। मैंने कहा चलो पापा का इतना काम कम हो जाएगा, उनका कुर्ता पजामा प्रेस कर रही हूँ, सेंट्रल जेल पटियाला जाना है उनको किसी ज़रूरी कार्य से, वो ड्यूटी के बीच का ही उनका काम है। मम्मा की भविष्यवाणी सत्य होती हुई हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। दूध ले लिया है अभी, फलाहार किया जा रहा है, साथ साथ में व्लॉग देखा जा रहा है। बूंदाबांदी बढ़ रही है, मैं पिताजी को बोल रही थोड़ा रुके चले जाना, लेकिन अभी जाना ज़रूरी है, कार्य ही कुछ ऐसा है इम्पोर्टेंट वाला। भैया 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 किसी बारिश हुई फिर बंद हो गई। और पापा के जाते ही मम्मी ने यहाँ पे चाय बना ली है, और ये फीकी चाय है गुड़ की डली, वो देखो साइड में रखी हुई है, रस खाया जा रहा है। ये गुड़ के साथ चाय कहाँ पीते हैं ये मेरे को कमेंट करके बताना। हमारे उत्तराखंड में तूने क्यों बताया भाई? मैंने बता दिया बहन, मेरा दिल कर रहा था। स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी जी, क्या बन रहा है आज? आज बन रहा है शिमला मिर्च आलू। वेरी नाइस। और तड़का बन गया। वेरी गुड। और आरती ने बना दिया तड़का, काट कूट के आरती ने दिया, मैं तो हाथी लगा रही। मैं कह नीता भट्ट के रसोई है तो नीता भट्ट दिखनी चाहिए ना रसोई में। ये है हमारी आज की फुल लुक। सुबह से मैंने लोअर पहनी हुई थी, जीन्स पहन ली है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं घर से बाहर। कहाँ जा रहे हो मम्मा? हाथ को दिखाना है। हाथ को दिखाने के लिए देख लो, मेरी बाहर से ही दिख रहा है हाथ, पट्टी लगी हुई है। पिताजी आ गए हमारे घर वापस अपना कार्य करके, स्कूटी लेके गए थे, स्कूटी हमें चाहिए थी तो अभी हम जाएंगे। एकदम से कितनी तेज धूप होने लग गई ना, बारिश आएगी देख। जय हो सूर्यदेव भगवान। वही दोगी पाती दोगी पाती। आज चौथी बार मम्मी की थेरेपी करवाई है यहाँ से। पैर से कुछ फर्क लग रहा है? हाँ, पैर से फर्क लगना चाहिए ना, आराम पड़े तब तो फायदा भी, इतने पैसे भी लग रहे हैं, इतना टाइम भी लगा रहे हैं, नहीं फर्क है पैर से। साफ की ना घड़ी भी बनाई है अंदर से, साफ की सारी खोल के। हाँ, इसका टाइम भी खराब हो रहा था ना। हाँ, वो सब ठीक हो गया। समय सही हो रहा है, समय भी सही हो रहा है और साफ भी हो गई है ना। अपने अभी पहन के चेक की जा रही है, पहनी भी कहाँ है ये? चूड़ियों के आगे पहनते एक बात होती, चूड़ियों के पीछे पहन के देखने वाले है ना। ये देखो, मम्मी कह रहे घड़ी का 12 कहाँ चला गया। ये रहा 12 तो ऊपर ही है, वही है, शीशे बना रहे हैं। ओके रिपोर्ट में। ओके घड़ी तो ठीक होगी, ठीक है। गर्मा गर्म फुलके तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पर, साथ के साथ भोजन भी किया जा रहा है, ठंडे फुलके खाए जा रहे हैं, वहाँ से गर्म आ रहे हैं, यहाँ तो ठंडे हो जा रहे हैं। अरे बड़ी तेज चल रहा है ना पंखा, एसी से भी जा रहा, ठंडी हवा छोड़ रहा, बर्फ जम जा रही है रोटियों में बाहर आने तक। यहाँ पर स्वादिष्ट खाना खाया जा रहा है, आनंद आ रहा है खाना खाने का। मम्मी ने पापा के लिए भी प्लेट लगा दी है, मेरे लिए भी लगा दी है। अभी 12 भी नहीं बजे, लेकिन ये है कि फिर पिताजी ने जाना है तो हम सोचे चलो साथ में भोजन कर लेते हैं। तुमको गिरो वाला करेला, ये करेला बनाने में बहुत मेहनत लगी है, पर जितनी मेहनत लगी है सुखार्थ है क्योंकि टेस्ट अच्छा आ रहा है। दोपहर का 1 बजने वाला है, अभी व्लॉग एडिटिंग का काम मेरा हो चुका है, कमेंट्स की रिप्लाई भी मैंने कर दिए हैं। फिलहाल पिताजी भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं हमारे, क्योंकि पिताजी जाने वाले हैं अभी ड्यूटी पे, और माता श्री ने भी सूट चेंज कर लिया है क्योंकि मम्मी को मैं लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल, जहाँ पे अंकल जी एडमिट है, बड़ी भाभी के पिताश्री। हम कुछ दिन पहले भी उनको मिलने के लिए गए थे, वो आपने ग्रीज भाई के ब्लॉग में देखा ही होगा, मैंने बताई भी थी आपको ये बात। तो अभी वो एडमिट ही हैं, तो ये है कि एमरजेंसी जहाँ पे वो पहले थे आईसीयू में, वहाँ से तो आ गए थे वार्ड में, उसी दिन आ गए थे वो, लेकिन ऑक्सीजन वगैरह सब अभी भी लगी हुई है उनके,
तो मम्मी कह रहे हैं अभी तू है ले जाएगी, ले चल करके मिलाते हैं एक बार। घर को किया जा रहा है लॉक। लीजिए हेलमेट, हमें ही हम पहनेंगे। पिताजी भी तैयार। माता जी जा रही है फिलहाल फल लेने के लिए। सड़क पार करने में मम्मी को इतना डर लगता है ना, डर ही होता है बेटा, वो गाड़ मार जाता है। स्कूटी स्कूटी स्टैंड में खड़ी कर दी है अभी। पिताजी भी, मम्मा भी और मैं भी, हम जा रहे हैं पापा मिलके। अंकल जी को उसके बाद जाएंगे ड्यूटी के लिए। बाय बाय, ध्यान से जाना, फोन करना पहुंच के। आप सबने काफी सारी दुआएं दी, बहुत सारी प्रार्थनाएं की अंकल जी के लिए। वो रंग ला रही है दुआएं सभी की आपकी। तो पहले से काफी सुधार है तबीयत में, तो भी डॉक्टर ने यही बोला कि जो उनके ऑक्सीजन लगी हुई है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए, घंटा घंटा के लिए कम से कम, कि दो घंटा मास्क लगा रहे हो तो एक घंटा मास्क उतारो, फिर दो घंटा लगाओ फिर उतारो, कि धीरे धीरे उनको नॉर्मल सांस लेने में तुम उनको नॉर्मल करो करके। तो ऐसा चल रहा है। अब जाने का कुछ ये कि दूर भी है हॉस्पिटल काफ़ी, और दूसरा है कि अंदर वार्ड में ना ज़्यादा घर वालों को रुकने नहीं देते। एक पेशेंट के साथ एक ही घर का कोई मेम्बर रुके, वो ऐसे बोलते हैं, बाकी सब लोग फिर हॉल के बाहर ही रहते हैं। फिर अगर ज्यादा देर फिर बाहर ही रहना, फिर ये कि एक जना अंदर रहेगा। चार चक्कर कटा इधर उधर उधर उधर, जब डॉक्टर आए थोड़ी इधर उधर हो गए, फिर दो मिनट बैठे फिर रुका रहा, ऐसे ही घंटा डेढ़ दो घंटे बैठे हम। कितने एक बजे चले गए थे, कितने बजे? हाँ, एक बजे चले गए थे, 3:30 बजे निकले वहाँ से। चार बज के 20 मिनट हो चुके हैं अभी। तो पहले से सुधार है अंकल की सेहत में, आपने काफी प्रार्थनाएं की उसके लिए धन्यवाद, और अभी और ज़्यादा प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। तो खूब सारी दुआएं करना अंकल के लिए, और बस अंकल फटाफट से हेल्दी होके बढ़िया होकर घर वापस आ जाए। अभी घर वापस आते आते हम लोग ये सब्जी भी खरीद लाए थोड़ी सी, क्योंकि सोमवार को सब्जी मंडी हम लोग गए नहीं थे। उसमें करेले हैं, खीरा है और हरी मिर्ची है और थोड़े से आलू हैं। मुझे वैसे इन आलूओं पर शक है कि आलू मीठे हैं करके, लेकिन वो मेरे आलू ख़त्म हो रहे ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लिए, 1.5-2 किलो ही लिए ना, किलो 1.5 किलो, हाँ थोड़े ही लिए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मीठे मीठे आलू होते हुए सब्जी का स्वाद नहीं आता। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पूरा सिर मेरा पसीने में भर चुका है, तो हेलमेट लगा रखा था, पूरा पसीना पसीना। आपको भी हो रहा है? बदलो फिर कपड़े आप। हाँ सूट चेंज कर लिया मम्मी ने, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा, क्योंकि पहले भी येलो ही पहना था, चेंज करके भी येलो ही पहना है। और यहाँ पे अभी पहाड़ी स्टाइल में ककड़ी खाई जा रही है। वो इसलिए ऐसे खाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम कम रहता है ना, खेतों में जाना है वो, तो ऐसे चार हिस्से में काट के खाओ, सही हो रहा स्वाद। जय माता की। हाँ जी, बड़े बिजी हो रहे हो तुम। आज कल तो फोन ही टूट रहा है। मेरा टीवी था तो मैंने तो अभी देखा, दो कॉल आई थी, अब बिजी आ रहा है तुम्हारा। अभी तो मुंशी को कर रहा था। मुंशी को इतनी बड़ी बात की? पापा कहाँ व्यस्त चल रहे हो बता दो सही सही। 3-4 कॉल आ रही है। कब से फोन बिजी आ रहा है आपका, कहाँ व्यस्त चल रहे सही सही बता दो। पापा तो पकड़े गए भाई आज रंगे हाथ। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। माता श्री ने तो थोड़ी टाइम नींद पूरी की, उसके बाद नानी माँ से बात की है ना, उनसे बात कर रहे थे ना, भाभी से मुझे आवाज़ आ रही थी, और मैं थोड़ी देर बैठी हुई ऐसे फ़ोन चला रही थी, रील्स वगैरह देख रही थी। रील्स देखने का मतलब ये होता है कि कुछ आइडियाज़ ढूंढना कि कैसे शॉर्ट वीडियो रील्स वीडियो बनाई जाए। हमारा तो काम ही है, टाइम ही बहुत कम मिल पाता है। थोड़ी देर ऐसे सोफे पे लेट गई थी, मम्मी ने आवाज़ लगाई
तो आगे इंदौर माँ बेटी बाहर, मौसम अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है मस्त वाली। थुरा में खुली है दुकान, राधा रानी क्या लोगी, लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, चुनरी ओढ़ा दो घन श्याम, मैं तो बस यही लूंगी। जय हो, चुनरी ओढ़ा दो घन श्याम, मैं तो बस यही लूंगी। मथुरा में खुली है दुकान, राधा रानी क्या लोगी, जय हो, मथुरा में खुली है दुकान, राधा रानी क्या। मेरा व्लॉग देखते देखते माता श्री ने भी भोजन भी कर लिया है। आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं, तो दो तीन कमेंट्स ऐसे मुझे दिखाई दिए जिनका मुझे लगता है कि व्लॉग में मुझे पढ़ना चाहिए। एक तो गौरी मनी जी का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई कि हम ये सोचते हैं कि आज क्या सब्जी बनाएं, फिर मैं आपका व्लॉग देखती हूँ, फिर मैं अगले दिन वही सब्जी बना लेती हूँ जो आप बनाते हो, काम आसान हो जाता है। अरे सब्जी कुछ ऐसी हो रही है, गोभी है उसमें कीड़े कूड़े हैं, मेरा मन नहीं करता उसको। हाँ, बरसाती मौसम में यही हो जाता है, पत्ता गोभी हो गई या दूसरी फूल गोभी आ तो रही है मार्केट में, आप भी कोशिश कर रही है, मन ही नहीं कर रहा है, लोग ले भी रहे हैं, मेरा मन नहीं करता है उसको लेने के लिए। मार्केट में चीज आती तब जब बिक रही हो। और एक इनका नाम तो नहीं है, यूजर आईडी है इनकी, आप लोग श्राद्ध में भी लहसुन प्याज खाते हो, हद है। और आज सुबह ही मम्मी, सुबह पता नहीं शाम में मम्मी ये चीज बोल रहे थे कि देखना आप लोग ये भी बोलेंगे तुम तो श्राद्धों में लहसुन प्याज खा रहे हो करके। अरे तो, नहीं बात सुनो, यहाँ मैं हमेशा ही डालती हूँ लहसुन प्याज का, मैंने लहसुन प्याज का कोई परवाह नहीं किया भाई, सच्ची बात है। वैसे हम गांव में नहीं खाते थे, यहाँ मैं लहसुन प्याज सारे ही डालती हूँ मैं तो। मायका फैमिली में जब तक मैं यहाँ पे थी हम लोग खाते ही थे, नवरात्रों में भी खाती हूँ। और जब मैं अगले अमूस के दिन में रोटी जब उनके करती हूँ, उसके अगले दिन से मैं लहसुन भी उस दिन भी नहीं खाती हूँ, एक दिन पहले नहीं खाते, जिस दिन हैवी जगह कहते लहसुन प्याज ऐसी चीज नहीं डालते। और यहाँ मैंने लहसुन प्याज शुरू से पाई रखा। जो दादी दादा का मेन श्राद्ध है वो ताऊजी और करते हैं ना गाँव में, हाँ ताऊ करते हैं वो गाँव में, ताऊजी करते हैं। पिताजी के पास समय अगर होता है, अगर उनकी छुट्टी होती है क्योंकि पापा की ड्यूटी ऐसी है, तो पापा तर्पण कर देते हैं अमूस वाले दिन, पंडित जी को बुला के प्रॉपर से हवन वगैरह होता है। घर में प्यार नहीं भी खाती हूँ, इनकी ड्यूटी वहाँ भी अश्मा खाना खाना होता है, ठीक है। और एक मेरा खाए नहीं खाए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब मेन तो बेटे का ही रहता है। कल्पना सिंह जी मम्मा से पूछ रही है, माँ से पूछ के बताइए कि क्या सूतक में दान कर सकते हैं, मेरी बेटी का बर्थडे है तो वृद्ध आश्रम में भोजन कराना चाहती हूँ। सूतक में दान कर सकते हैं, दान तो कर सकते हो, फिर दान ये है ना जैसे तुम्हारा कोई परिवार के अंदर है, ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में जिनकी भी डेथ हुई है वो ज्यादा नजदीक के हैं वो या ज्यादा दूर के हैं। सूतक लगाए तो कुछ तो जैसे हमारे बारादरी वगैरह में रहता है, जैसे कोई तुम्हारे अंदर का कोई ऐसा है फिर तो तुम नहीं कर सकते, सगी फैमिली में अगर कोई है तो जब फिर नहीं करना चाहिए, दूर में है तो तुम कर सकते हो, अच्छी बात है, उनको भी मिलता है उधर श्राद्ध का, आजकल वैसे भी श्राद्ध चला जब तुम भोजन खाते हो ये तो सबसे अच्छा काम है, कर सकते हो। जब तुम्हारे घर में जब अंदर ही है ऐसा तो फिर तुम नहीं कर सकते ना, जैसे ताया चाचा आगे रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी जैसे होती है, रिश्तेदारी में तो ब्यादर लोग नहीं होते हैं, खैर ब्यादर लोग ब्यादर होते हैं, जैसे दूर दूर थोड़ी पीढ़ियां हो जाती है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी तीन पीढ़ी चार पीढ़ी सात पीढ़ी तरह मानते हैं कहते हैं, इसमें तुम कर सकते हो। अच्छा, और मेरा जैसे कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, कल मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई भी थी, मम्मा ने भी बताई थी, पापा ने भी बताई थी, मैंने भी बताई थी, तो ये सब चीजें देखी वो है कि जब हमारे अपने हमारे बड़े हमें छोड़ के चले गए उसके बाद हम ये चीजें करते हैं, लेकिन इस चीज में भी कहीं ना कहीं मैं बिलीव करती हूँ कि जब तक हमारे बड़े हमारे साथ हैं तब तक उनकी जो सेवा हम कर लेंगे, जो हम उनके लिए कर लेंगे वो सबसे बेस्ट है। पितृ दोष कभी जीवन में आएगा ही नहीं जब तक पितृ तुम्हारे साथ है, अगर वो खुश रहे तो, है ना, जब तक वो है उनको पूरा खुश रखो, जो उनको चाहिए मेडिसिन चाहिए, खाना चाहिए, पहनना चाहिए, जो चाहिए अपनी तरफ से हर बच्चे को चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे हमारे माँ बाप ने हमें पाला है ना, अब जब वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो फिर हमारी जिम्मेवारी है कि उनको हम भी कुछ खुशियां दे, उतना तो हम नहीं कर पाएंगे जितने माँ बाप ने किया है, माँ बाप का दिन तो कोई बच्चा नहीं दे सकता, कोई कहे कि मैंने इतना कर दिया, तुम्हारा दिल में है कि हमारे माँ नहीं है हमारा बाप नहीं है, तुम उनके हिसाब से तुम किसी गरीब
नहीं, कोई खिला रहा हो खाना, कोई किसी के तन में कपड़े नहीं है, एक जोड़ा कपड़े लेके दे रहे हो उनको खाना खिला रहे हो, भूखा प्यासे को, वो तुम्हारे माँ बाप को मिला। अपने दिल में तमन्ना कर लेना कि ये मैं जो भी दे रहा हूँ ये मैं उनके लिए दे रहा हूँ, अपने मन में बोलने की कोई जरूरत नहीं है बात, अपना दिल में सोच लो तुम, समझ लो कि उनको मिल गया जो प्यार से देते है। कि भाई मैंने शुरू से ही मतलब मेरे ससुराल में तो ये चीज मानते हैं, अपने ब्लॉग्स में देखा भी है कि वहाँ पे ना सरादों में ना नवरातों में हम लोग लहसुन प्याज यूज नहीं करते, सिंपल तड़का लगाते हैं टमाटर का जीरे का, वो सिंपल छौंका लगा के सब्जी बनती है। अभी मेरी सासू माँ जी भी उस तरीके से खाना बना रही होंगी घर में, जोशी जी तो खैर बाहर ही हैं, अब यही हो जाता है वो बाहर हैं होटल में तो उनको कैसे खाना मिलेगा, वो भी अनिल भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं ना, वही तो फिर ये थोड़ा सा हो जाता है, अब करना उन्होंने ये मेन कुछ खाओ सब बना रखा धरती माता, जो तुम्हारा दिल करते खाओ, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो ना, तुम्हारे दिल में अच्छा होना चाहिए, सबके साथ प्यार होना चाहिए, खाने से किसी ने कुछ नहीं होता है खाने, ये चीज मुश्किल है ना मम्मी, प्यार से बोलना, अपना दिल साफ रखना, ये चीजें मुश्किल है, इसलिए जो इजी चीजें वो मनुष्य कर लेता है, लहसुन प्याज छोड़ सकता है लेकिन किसी की बुराई करना नहीं छोड़ सकता। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो आपके कुछ सवाल थे, हमने अपने विचार आपके सामने रखे जो आपने पूछे, तो मेरा तो मानना देखिए यही है कि जब तक माता पिता हैं आपके बड़े बुजुर्ग हैं तब तक उनकी जीते जी सेवा करो, तो मरण उपरांत इतना कुछ करने की या ज्यादा उनको पितृदोष कभी जीवन में नहीं आएगा, जब आपके खुशी खुशी बड़े बुजुर्ग जो है वो जाते तो पितृदोष कभी जीवन में नहीं आता, तो आगे सबका अच्छा ही हो, सराह चल रहे सबके पितर सबका अच्छा ही करें, वो अच्छा ही करते हैं, बस थोड़ा सा उनको चाहिए कि भाई शरारत कर रहे हो अच्छे मन भाव से कर दो। अंकल जी की तबीयत खराब है, हम लोग देखने के लिए गए, आपके पीछे काफी कमेंट्स आए थे कि आप हॉस्पिटल गए लेकिन आपने अंकल को दिखाया नहीं, तो हल्की सी झलक मैंने आज के ब्लॉग में आपको दिखाई है कि अंकल की फिलहाल की कंडीशन क्या है। आप लोग दिल से खूब सारी उनको दुआएं देना कि जल्दी से सेहतमंद होकर अंकल घर वापस आ जाएं। सही बात, हम तो यही हाथ जोड़ते हैं जब भी जाती हूँ परमात्मा से, यही कहती हूँ ठीक ठाक कर दो बेचारों को अपने बच्चों के साथ। आज स्टूल वहाँ पे लगे थे, दो तीन मैं खड़ी हुई थी, अंकल इतने आरती वैसे बोल नहीं रहे थे, आज बहुत कम बोल रहे थे, पर कह रहे आरती आजा मेरे पास बैठ जा, आजा यहाँ बैठ जा, मेरे को अपने पास बेड के ऊपर ही बिठा रखा था उन्होंने, जितना टाइम मैं वहाँ बैठी थोड़ी टाइम तो उनके साथ ही वहाँ पे बैठी हुई थी, तो काफी करीब से देखा, मतलब अंकल बहुत प्यारे हैं यार, और अच्छे लोगों के साथ ही पता नहीं क्यों इतना बुरा होता है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ सबके साथ अच्छा अच्छा होना चाहिए, और सबके माँ पिता की खूब सारी उम्र लंबी हो, माँ पिता को कुछ नहीं होना चाहिए किसी के भी। मिलते हैं बहुत जल्द, टाटा बाय।